पंजाब के कैबिनेट मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर और उनके साथ मौजूद वरिष्ठ नेता मोहिंदर भगत ने एमएचवन से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने जालंधर उपचुनाव को लेकर के पार्टी के समीकरण को लेकर के कई खुलासे किए। मेरे नाल कैबिनेट मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर ने गलबात करेंगे। जालंधर जिमनी चोन दे विच अभी प्रचार च पहुंचे ने, सर किवें लग रहा है जालंधर दे हालात, जिहड़े जिमनी चोन नूं लै के किस तरीके हक दे? बड़े पॉजिटिव लग रहे सानू, क्योंकि सानू काम करने का मौका मिल गया, सानू साल मिल गया और साल जो साड़ी कमिटमेंट सी लोगों सामने लैन दी ने, चाहे वह फ्री बत्ती हो 600 यूनिट जिदे साढ़े नीयरली 85-90% लोगों के बिल जीरो आ रहे हैं, चाहे वह मोहल्ला क्लिनिक हो जी असं 5 सालों बाद बना लिया ने, चाहे वह साढ़े स्कूल हो जे 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस साढ़े नीयरली तैयार हो गए हैं, वो इन्होंने छड़ के होर भी स्कूल तैयार हो रहे हैं, चाहे वह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की इंप्रूवमेंट हो, चाहे कंप्यूटराइजेशन हो, ताकि लोगों को बहुता वाह ना पवे सीधा मुलाजमान के नाल, सो सारे जगह असी बहुत हद तक अपने जो कमिटमेंट साड़ियाँ सगियाँ मान साहब दियाँ केजरीवाल साहब दियाँ असी खरे उतर आए हैं और लोगों ने वेख लिया कि इन्हें थोड़े टाइम से इन्हें इन्ना काम किया तो 5 सालों से बहुत कुछ कर देंगे, क्योंकि रवायती पार्टियां जिहड़ियां सगियाँ वो ये सारे काम जो असी पहले साल किए उन्होंने 5वें साल जाके करने की कोशिश करनी सी, जिवें पिछली कांग्रेस सरकार सी अखीरले दिन जाके 4-5-6 ऑर्डर कढ़ते लेकिन सिरे नहीं चढ़े बिकॉज हाफ हार्टेडली किए थे कि इंटेंशन देने की नहीं सी, इंटेंशन शो करने की सी, सो असी लोगों को पहले देता ताकि वो जज कर लैन भी असी कि उन्होंने अगे देने जा रहे हैं। कह रहे रॉयलिस्ट की सिंपथी वोट कांग्रेस को मिल सकती है क्योंकि देहात होया सवा सिंपथी वोट मिल सकती है जी? देखो सिंपथी तो होंगी है जो इस तरह अपना एक सामने अखा के सामने कोई बंदा डिग पे और डिग के वो मतलब बहुत माड़ा हादसा होया, डैथ हो गई उन्हों की, बड़ा माड़ा होया जी अजीज ने साढ़े, पर लोग दिमाग ना सोचते हैं और दिमाग ना सोच ये कहती उन्हों की कि आप आदमी ने पार्टी ने चलना चाहिए, साढ़े को 4 साल है ने और जिन्हें असं चंगे काम किए कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती काम करने के, सो इस गल की नैगेटिविटी उन्होंने वास्ते जाएगी, सानू पॉजिटिविटी मिलेगी। ये नाल नाल वड्डा हुंगारा मिले बीजेपी के महेंद्र भगत जी तुहाडे नाल ही नहीं पहुंचे हुए हैं, भगत जी फिर किवें पार्टी नूं मजबूत करोगे? जदों भी कोई इंसान किसी नाल जुड़दा है, भगत जी फिर किवें पार्टी नूं मजबूत करोगे? जदों भी कोई इंसान किसी नाल जुड़दा है मजबूती ऑटोमैटिकली आंदी है, ठीक है, सो नाल रल के जिहड़ियां सेवां पहले बीजेपी च करदे सी लोगों नूं मिलना, गरीब लोगों का ख्याल रखना, उही सोच लैके असी इस आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है और पार्टी नूं मजबूती भी करांगे और आने वाले समय च, क्योंकि इस सरकार का लगातार पंजाब च रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंजाब के इतिहास में पहली बार होया है किसी पार्टी नूं 92 सीटां मिली होन, सो एक जनता का अमेंडेड हैगा और शायद कुछ लोगों विरोधियों ये हजम नहीं हो रहा, देखो ये डेमोक्रेसी हैगी है और जो रिजल्ट आता सानू मनना चाहिए है।